नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अपने जो इंस्ट्रूमेंट सेट होते हैं तो उनको स्टेरिलिटी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कि किस तरह से हमारे जो सेट है वो हमारा प्लाज्मा स्टराइल है या नहीं, या फिर ऑटोक्लेव में वो स्टराइल हुए हैं या नहीं। तो उसी को एक श्योरिटी के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो वो क्या इंडिकेटर होते हैं और कैसे वो होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हमको बताएंगी हमारी मीरा मैडम। तो ज्यादा टाइम में लेते हुए चलिए चलते हैं मीरा मैडम के पास और देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। सेट को अब हमें उसकी प्रॉपर एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हमारे पास सीएसडी में रजिस्टर है, देखा है सबने, किया है ना वो, तो सबने उसमें प्रॉपर एंट्री करके उसको हैंडओवर देना है। जो भी अटेंडेंट नीचे जाएगा उसको बताना है। जैसे अब उसको बताने के लिए हमें क्या हैंडओवर देंगे उसको, हमारे कई प्लास्टिक बॉक्स होते हैं जैसे आर्थ्रोस्कोपी के हो गए, पतले छोटे बॉक्स हो गए, कोई हमारे माइनर सेट होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत छोटी छोटी फोर्स है, छोटी छोटी चीजें होती है। तो उनको हैंड ओवर में बताना है, भैया ये मतलब बहुत लाइट वेट का है, इसको हमें नीचे सेटों के नीचे नहीं रखना है, इसको हमें ऊपर वाले फ्लोर पे रखना है, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली जब लेके जाता है तो उसको वो लोडिंग करते टाइम वो ध्यान रखे। उस बंद क्लोज ट्रॉली होती है, देखिए अपने सामने रखी हुई है वो, तो नीचे वाले में मतलब वो हैवी इंस्ट्रूमेंट रखे, उससे ऊपर वाली रैक में वो मतलब माइनर इंस्ट्रूमेंट है, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट है सारे वो रखे उसके अंदर। फिर नीचे भी वो उसको बोलना है कि आपको सीएसडी वाले का हैंडओवर देना है, तो ये भी चीज़ें बताना है उनको, मेंशन करना है। नेक्स्ट डे आप उसको रिसीव करते हो तो आपको उनको चेक भी करना है, जब भी खोला आपको पता होना चाहिए अभी हाँ मैंने ये उस दिन दिया था और आज ये टूटा हुआ आया है। अगर टूटा हुआ आता है तो आपको इन्फॉर्म करना है अपने हायर अथॉरिटी को, सबसे पहले अपने ओ आर इंचार्ज को बताओ अकॉर्डिंग टू हायरार्की, फिर उसके बाद अपने SNO को बताओ, फिर ANS को बताओ, मतलब जो हो रहा था कि ये इंसिडेंट आगे से रिपीट ना हो। उसके अलावा आप जैसे हमारे पास ऑटोक्लेव होके आ गया तो उसके बाद हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेट हमारा ऑटोक्लेव है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्या इंडिकेटर होते हैं, कैसा हो जाता है ये वाला टेप? जैसे ये वाली टेप है ये कैसे चेंज हो जाएगी? ये देखो ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल ये है लाइट कलर में, ये यहाँ पे डार्क कलर के अंदर है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। अब ये कैसे पहचानोगे, ये चलो ऑटोक्लेव है आपने ये देख लिया, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सेट एक्सपायरी हो गया है? कई बार सेट ऑटोक्लेव नहीं होता है और वो एक्सपायरी हो गया, तो फिर उससे हम कैसे पता लगेंगे? इसके ऊपर भी हमने डेट मेंशन की है। उसके अलावा हमारा एक सीएसडी वाला एक इंडिकेटर लगाता है, देखा है ना आपने ये वाला इंडिकेटर, इसके ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट भी और जिस दिन मतलब ऑटो क्लिक हुआ था वो भी। तो हमें ये दोनों चीजें चेक करना है मोस्ट प्रोबली। मोस्टली स्टाफ जो सेट ज्यादा यूज नहीं होते उनको पहले दिन भेजेंगे नहीं, नेक्स्ट डे हम आके बोलते हैं कि सेट तो एक्सपायरी, भेजा क्यों नहीं, बैक आंसर मिलता है हमने तो परसों भेजा था, तो फिर क्या इंडिकेटर झूठ बोल रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों करते हो? ये चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए इस क्लास के बाद। ये दोनों हमने ऑब्जर्व कर लिए, ये हो गया हमारे सेट के लिए। अब हमें कोई सेट जैसे प्लाज्मा में भेजना है, जैसे हमारी सीजर हो गई तो सीजर को हमें पैक करके भेजना है, तो बताओ इस सीजर को हम कैसे भेजेंगे? हाँ ये शार्प हो गया, ठीक है, फर्स्ट तो मैंने बता दिया इसके ऊपर आप रबर लगा सकते हो, अगर रबर भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, तब क्या करोगे? इसको हम इस रैपर के अंदर पैक करेंगे तो इसको हम डबल पैक कर सकते हैं, अंदर एक रैपर उसके अंदर एक रैपर, ठीक है ना, उसमें डबल रैप करके फिर उसके अंदर हम डाल सकते हैं, ताकि हमारा ये शार्प है इस साइड को, ये वाला साइड है ये पंचर हो जाता है, ऐसे निकल जाता है ये, तो वो चीज पंचर नहीं होगी हमारे। लैब के हुक वगैरह हो गए हमारे, शार्प हुक हो गए, सारी चीजें वो चीज नहीं होगी, पंचर नहीं होगी, तो इसलिए हम उसको डबल रैप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसका कैसे पता चलाएं, पता चलेगा कि हमें प्लाज्मा रैपर है, ये हमारा प्लाज्मा हुआ है या नहीं हुआ है? रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो उसके लिए एक तो इसी के ऊपर इंडिकेटर आता है हमारा, ये रेड कलर का होता है, ये येलो हो जाएगा, बट ये कभी कभी हमारी लाइट से भी हो जाता है ये,
तो हम उससे फिर कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, भाई ये प्लाज्मा था या नहीं था। तो उसके लिए हम डालने से पहले ना हमारे पास एक इंडिकेटर और है, ये केमिकल इंडिकेटर स्ट्रिप। तो ये अभी हमारी पिंक कलर की है, बाद में ये येलो में चेंज हो जाएगी ऑटोक्लेव प्लाज्मा करने के बाद। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारी इंडिकेटर टेप है, ये वाली टेप। तो इसको हम मोस्टली क्या चीज करते हैं, हम बाहर की साइड लगा देते हैं। तो आगे से हमें मेंशन करना है, थोड़ा चेंज करना है इसके, हम इसको इनसाइड लगाएंगे। क्यों इनसाइड लगाएंगे, इसका रीजन क्या है, इनसाइड क्यों लगवा रहे हो? मैं हाँ, एक तो इंस्ट्रूमेंट इनसाइड है, अगर ये अंदर होके ये मतलब ये हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारी मतलब उसके अंदर जितने भी वो बनी थी वो इसके अंदर गया कि नहीं गया, मतलब वो कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, कभी कभी मतलब ये उखड़ जाता है तो उससे भी बच जाएगा हमारा ये इंडिकेटर, मतलब गिरेगा नहीं साइड में। ये डाल के इन तीनों चीज़ों से मतलब हमारा कन्फर्म हमें पता चल जाएगा। और ये सुबह रिसीव करने से पहले प्लाज्मा से हमें मतलब कन्फर्म करके ही लेना है वहाँ से, ऐसे ही नहीं उठाना है। अगर ये नहीं हो हमारे पास, अगर ये चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा है तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो, इंस्ट्रूमेंट का अगर ज़्यादा ही रिक्वायर है उसको साइड एक्स में डालो, यूज करो फिर, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो तो, और अगर यहाँ पे प्लाज्मा चल रहा है मतलब दूसरी मशीन चल रही है ऑटोक्लेव की, जल्दी यहाँ से हमें मिल जाए तो उससे पहले ऑटोक्लेव के लिए पूछ लूँगा, मतलब पहले अपना इन्फॉर्म करके कन्फर्म करके फिर अगला प्रोसीजर करना है। प्लाज्मा रेफर वेस्ट भी नहीं करने। और दूसरा क्या है कि मतलब प्लाज्मा में जो सामान डालते हैं हम जितने भी, उनको प्रॉपर ड्राई होने चाहिए। अगर आप लिक्विड के साथ डालते तो हमारा साइकिल कैंसिल हो जाता है। और तीसरा क्या है, मतलब हम कई बार जैसे कैनुला टाइप में होता है तो उसके अंदर एक प्रोकार होता है, तो हम जब भी मतलब पैक करते हैं तो प्रोकार को भी उसके अंदर डाल के छोड़ के पैक करते हैं। ये नहीं करना है हमें, प्रोकार को निकालना है, नहीं तो उसके अंदर एयर कैसे जाएगी। वो तुम उसको क्लोज करके डालते हो तो क्यों करना है। हाँ, कुछ ही जगह है जैसे रोबोटिक हो गए, इनके अंदर जो है वो डालते हैं क्योंकि उनके अलाइनमेंट खराब हो जाते हैं उनके स्कोप के उसके, तो आप अपने उनसे पूछना है और इंचार्ज से, और उस पूछ के फिर आप डाल दो उस चीज़ को, अगर जहाँ भी आपको कन्फ्यूज है। दूसरा, हम लेंस कैमरा डालते हैं, डाल के बस वहीं पर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है उसको, उसी दिन रिसीव करना होता है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर आपकी ड्यूटी शाम के 8 बजे तक है तो आप उसको 4 बजे डालो। अगर आपका प्लाज्मा फुल भर गया है तो आप टीएल को इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म करके उसको मतलब उसी टाइम प्लाज्मा करवा के आप शाम के जाते हुए रख के चले जाओ उसको, ताकि नेक्स्ट डे इस ओटी वाला आएगा वो उसने नीचे डाल दिया, लेंस टूट गया, ब्रेक हो गया, कौन उसका रेस्पॉन्सिबल है? कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बस इंसिडेंट फॉर्म भरते जाएंगे, रहते जाएगा, ना कोई प्रोसीजर होगा ना कोई काम होगा इससे। तो सेम डे ये कोशिश करो, सेम डे उठाने की। कोई एनी क्वेरी? और आपको इसका पता है ना, इसके अंदर भी हम सेट पैक करके डालते हैं कंटेनर में, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑटोक्लेव नहीं है? कौन सा मतलब ये जो चीज़ है ना रेड, ये ग्रीन में कलर चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर ये भी लग के जाता है सीएसडीएम से, तो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास मार्क करने के लिए। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, इससे मतलब कई बार एक्सपायरी का पता चलेगा आपको और इससे ऑटोक्लेव का पता चलेगा, तो दोनों चीज़ों को हमें चेक करना है काउंटर, एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है। देखा कि किस तरह से ये प्लाज्मा इंडिकेटर होता है, कैसे हमारा साइट पे प्लाज्मा या फिर ऑटोक्लेव हुआ है और कैसे हम उसको श्योर करते हैं कि ये स्टराइल है। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो में आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।